बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो कल भी मैंने लेक्चर अपलोड किया था, उसकी कंटिन्यूएशन में है। ये तो हम इम्यूनिटी के हवाले से बात कर रहे थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये पता होना चाहिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे और आपको लेक्चर सुनते हुए समझ में भी आ रहा होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि प्रायर सेंसिटाइजेशन ज़रूरी नहीं है, और ये जो सेल्स हैं ये इन जनरल हर जो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हाउ, वॉट इज द मैकेनिज्म बाय विच दे प्रोवाइड अस इम्यूनिटी? आज उसके हवाले से एक छोटी सी डिस्कशन है, पहले वो करते हैं, उसके बाद फिर हम अडेप्टिव इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल इम्यूनिटी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जो सेल्स हैं बेसिकली, जो मैंने आपको बताया था कि जो मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, बेसिकली दीज आर द सेल्स विच आर द सेल्स विच आर नोन एज टर्म्ड एज द सेल्स ऑफ नेचुरल और इननेट इम्यूनिटी। इनके अंदर क्या होता है ऐसा है कि वो किस तरह से पहचान पाते हैं कि जो है वो डेंजर है, या डेंजर साइंस कैसे पहचानते हैं? उसके लिए इनके पास देर आर सर्टन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, जो कि बेसिकली आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म which has the first exposure to your body. मतलब इससे पहले वो कभी नहीं आया, तो जाहिर सी बात है आपके आपके पास उसके हवाले से कोई प्रिवेंटिव मेजर्स मौजूद नहीं है, ना तो आपके पास मेमोरी टी सेल्स मौजूद है, ना इम्यूनोग्लोबुलिन मौजूद है। आप सिर्फ और सिर्फ बेस कर रहे हैं किसके ऊपर, कि जी आपकी जो इननेट सेल्स मौजूद हैं, जो उनकी जो नेचुरल कैपेसिटी है टू प्रिवेंट योर बॉडी, बेसिकली आप उस पर डिपेंड करें। तो उन सेल्स के अंदर ऐसे क्या रिसेप्टर्स मौजूद हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे? पहला जो सेल का टाइप रिसेप्टर टाइप है वो है टॉल लाइक रिसेप्टर्स। ये जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं ये आपके 10 आइडेंटिफाइड हैं, डिफरेंट टाइप के 10 रिसेप्टर्स मैमल्स के अंदर आइडेंटिफाइड हैं, ठीक है जी। तो और भी होंगे जाहिर सी बात है, अगर 10 अगर आप अब तक रिसर्च में निकल के आ चुके तो और भी डिफरेंट टाइप्स होंगी, लेकिन फिलहाल हमें इन 10 के बारे में पता है कि ये 10 सब टाइप्स हैं। इसकी फैमिली बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये जो रिसेप्टर्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके सरफेस के ऊपर लाइपोपॉलीसेकेराइड्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो उनकी जो जो मेम्ब्रेन बनती है या जो उनकी जो सेल वॉल होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसमें लाइपोपॉलीसेकेराइड्स मौजूद होते हैं। ये जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टू लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है जी। और जब ये लाइपोपॉलीसेकेराइड्स के, मतलब जाहिर सी बात है मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डू कंटेन लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, तो ये उनके साथ जाके बाइंड करते हैं, उनको फॉरेन कंपोनेंट के तौर पे लेते हैं, और फिर उसके लिए जो है फिर उसकी जो है वो फैगोसाइटोसिस की जाती है। अच्छा, दूसरी जो बेसिकली जो दूसरी जगह है जहां पे ये मौजूद होते हैं वो है एंडोसोम्स। अब एंडोसोम्स क्या है? बेसिकली आपको मालूम है कि जो एंडोसाइटोसिस होती है, क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो आपकी सेल के सरफेस पे आके लगता है, और दैट मॉलिक्यूल व्हिच इज अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन बेसिकली इज टेकन अप बाय द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, ठीक है जी। क्या होता है कि जी ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर को मॉलिक्यूल आके लगा, इसकी मेम्ब्रेन जो है वो अंदर जानी शुरू हुई, अंदर जाते जाते आखिर में जो है वो सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब ये जो सेल बन ये जो कंपोनेंट बना है इसको हम एंडोसोम कहते हैं।
ठीक है जी। तो टॉल लाइक रिसेप्टर्स एंडोसोम्स के ऊपर इस तरह से मौजूद होते हैं कि से फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो है इन्होंने लाइपोपॉलीसेक्राइड या बैक्टीरियल कोई भी कंपोनेंट है जिसको उन्होंने एंटीजन के तौर पर लिया है, ये उसके साथ बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद एंडोसाइटोसिस हो गई। एंडोसाइटोसिस हो गई तो अब दीज आर प्रेजेंट ऑन इन दी एंडोसोम्स। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। ये वायरल और जो बैक्टीरियल डीएनए होता है बेसिकली इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। यानी अब क्या हुआ कि जी एंडोसोम हो गया, इसके अंदर फिर ऑब्वियसली मतलब लाइसोसोम्स के साथ अटैचमेंट होगी, बाइंडिंग होगी, किलिंग होगी। और उसके बाद जो ये जो रिसेप्टर जब एंडोसोम फाइनली बन जाएगा और प्रॉपर एंड पे पहुंचेगा तो दे विल गेट अटैच टू द आरएनए और डीएनए ऑफ द वायरसेस एंड बैक्टीरिया। ठीक है जी। ये एडिशनल काम हो गया यानी ऑर्गेनिज्म की किलिंग हो गई। उसके बाद फिर ये आरएनए डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ ये बाइंड करता है और ऑब्वियसली उसके नतीजे में फिर आपको आगे क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो सेल्स हैं जो आपके डेंड्राइटिक सेल्स हैं या मैक्रोफेजेस हैं इनको हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि सेल्स ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी are also known as antigen presenting cells. ठीक है जी। natural cells of natural immunity are known as antigen presenting cells. तो जो antigen presenting cell है वो क्या करते हैं कि cell जो है वो पहले organism को अंदर ले लेते हैं, अंदर लेने के बाद उसको kill करता है। तो उसका जो भी मॉलिक्यूल है जो कि एंटीजन के तौर पे एक्ट कर सकता है यानी आपकी बॉडी में रिकॉग्नाइज हो सकता है एज एंटीजन सो दैट एंटीबॉडी अगेंस्ट इट इज फॉर्म। और वो बहुत ही कॉमन पोर्शन होना चाहिए ताकि ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन या उसके जो बिल्कुल सरफेस का मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि जब इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आएगा तो अगली मरतबा उसी कॉम्पोनेंट की बेस पर जो है वो आपकी बॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली उस तरह का कोई भी कंपोनेंट फाइंड आउट करके उसको प्रेजेंट करना। सो बेसिकली एंडोसोम्स भी यही कर रहे होते हैं कि एंडोसोम्स जो है वो किल करने के बाद जो ऐसा कोई कंपोनेंट से अटैच कर जाते हैं जो कि बाद में एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए काम आ सके। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद जो आपके पास जो सेकंड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, सेकंड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स कहलाते हैं एनओडी लाइक रिसेप्टर्स। अच्छा, इनकी बेसिकली ये सुपर फैमिली है जिसके जो दो रिप्रेजेंटेटिव जो रिसेप्टर्स हैं वो कहलाते हैं NLR1 और NLR2। सॉरी गलत हो गया, NLR भी कह सकते हैं लेकिन बेसिकली इट्स नोन एज NOD1 एंड NOD2। अच्छा जी, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये जो रिस्पॉन्ड करते हैं, ये जो डेंजर साइंस को रिस्पॉन्ड करते हैं बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की कोई एबनॉर्मैलिटी क्रिएट होती है तो ये रिसेप्टर्स उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका जो है डाइवर्स प्रोटीन्स हैं और डेंजर डैमेज आइडेंटिफाई करते हैं लेकिन किस मैकेनिज्म से करते हैं ये मैकेनिज्म नोन नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन एडिशन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर भी रिस्पॉन्ड करता है, ये सेल को रिस्पॉन्ड कराता है। बट इसके अलावा जो ये क्या करता है कि ये आपके जो जो अगर फॉर एग्जांपल आपका अपना नेक्रोटिक सेल है, स्पेलिंग हो गई, नेक्रोटिक सेल प्रोडक्ट्स, ये नेक्रोटिक सेल प्रोडक्ट्स पे भी रिस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में इंजरी हुई है और उसके नतीजे में आपके सेल में नेक्रोसिस हो गई है तो उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे।
बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग एनएलआर्स, ठीक है जी। फिर इसी तरह से आपकी अगर आयरन डिसबैलेंसेस हो रहे हैं तो भी एनएलआर्स एक्टिवेट होंगे। इसके अलावा माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट तो होना ही है क्योंकि डिफेंस ही इसके ऊपर है, तो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, ये तीन चार चीजें हैं जो कि इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं। और ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होकर क्या करते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसको तो वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दीज एनएलआर, अच्छा एक और जो टर्मिनोलॉजी है पहले वो मैं डिस्कस कर लूं फिर आगे उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। इन्फ्लेमोसोम, अच्छा ये एक कंपोनेंट है जो कि मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहलाता है, साइटोप्लाज्मिक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन योर इननेट इम्यूनिटी सेल्स, ठीक है जी। और इसका काम क्या होता है इन्फ्लेमोसोम का, कि ये आपके कैस्पेज वन एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। और कैस्पेज वन एंजाइम क्या करता है कि जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है ऑफ इंटरल्यूकिन वन ये उसको एक्टिवेट करता है, उसको क्लीव करता है। प्रीकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ इंटरल्यूकिन वन क्लीव होता है और उसके क्लीवेज के नतीजे में आपको इंटरल्यूकिन वन एक्टिवेटेड मिल जाता है। और आपको मालूम है कि इंटरल्यूकिन वन क्या करता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीडिएटर है फॉर द इंफ्लेमेटरी प्रोसेसेस। आपको याद होगा हमने बात की थी कि बिल्कुल इनिशियल प्रोसेस में जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है और उसके बाद जो एडिजन मॉलिक्यूल्स को सरफेस होना होता है, तो जो वो पहला मीडिएटर जो सरफेस मॉलिक्यूल्स को एडिजन मॉलिक्यूल्स को सरफेस करना शुरू करता है आफ्टर हिस्टामिन इज इंटरल्यूकिन वन, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास सेल्स ने हिस्टामिन रिलीज किया और हिस्टामिन ने मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट किया, मैक्रोफेजेस के जो इन्फ्लेमोसोम है उसने कैस्पेज वन को एक्टिवेट किया और कैस्पेज वन ने एक्टिवेशन के बाद प्रीकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ इंटरल्यूकिन वन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के नतीजे में जो एक्टिवेटेड इंटरल्यूकिन वन है वो प्रोड्यूस हो गया और वो रिलीज हो गया। और फिर उसने क्या किया, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है उनको ट्रिगर किया। ट्रिगर करने के बाद जो ल्यूकोसाइट्स है उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया, यानी रोलिंग एडहेजन एंड फिर उसके बाद फिर जो मूवमेंट वगैरह होती है, दैट होल थिंग बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द एक्टिवेशन ऑफ इंटरल्यूकिन वन बाय द हेल्प ऑफ द इंफ्लेमोसोम। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये इंफ्लेमोसोम है इसका और क्या रोल है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके स्पेस थोड़ी सी मैं बड़ी करती हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो जैसे ये इन्फ्लेमोसोम के हवाले से हमने बात कर ली, अब क्या है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एनएलआर ऑफ द सेल, ठीक है, यानी रिसेप्टर अलोंग विद इन्फ्लेमोसोम, ये कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, पहले तो ये कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल अक्यूट इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, वो जो कि हमें थोड़ा सा एक आइडिया भी हो गया था कि इंटरल्यूकिन वन अगर रिलीज हो रहा है तो ऑब्वियसली अक्यूट इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तो जनरेट होगा। इसके अलावा ये क्रॉनिक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी जनरेट करता है,
स्पेशली जो क्रिस्टल डिपोजिशन होते हैं, से फॉर एग्जाम्पल गाउट के अंदर, तो गाउट के अंदर जो क्रिस्टल डिपोजिशन के नतीजे में जो इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के डिपोजिशन के नतीजे में वो जो इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो बेसिकली NLR और इन्फ्लेमोसोम कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। उसके अलावा फिर ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स, यानी अगर तो आपकी बॉडी में खुद ही से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए तो उस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर भी इनका रोल है, ऑटो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी जनरेट करता है। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो है पीरियोडिक फीवर सिंड्रोम। विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज फीवर कंटिन्यूसली हो रहा होता है और रीजन जो है वो एज सच इतनी कोई खास समझ आ नहीं रही होती। अच्छा, इसके अलावा ये एक और भी काम करते हैं कि जो लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा होता है बॉडी में डिफरेंट जगह पे एबनॉर्मली, उसको ये रिस्पॉन्ड करता है और उसको रिस्पॉन्ड करके जो है वो फिर इन द लॉन्ग रन डिजीजेस कॉज करता है लाइक डायबिटीज या एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है जी, तो ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्स आ रहा है किसके थ्रू आ रहा है, ये NLR इन्फ्लेमोसोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ये मैंने इसको बॉक्स में कर दिया है ताकि आप स्पेसिफिकली इनको इस मैकेनिज्म को समझ सकें। क्लियर है यहां तक बात? कोई चीज जो समझ में नहीं आई? इन एडिशन टू दीज रिसेप्टर्स, जो ये जो दो मेजर रिसेप्टर्स हमने डिस्कस किया अभी, एनओडी लाइक रिसेप्टर एंड टॉल लाइक रिसेप्टर, इसके बाद हमारे पास जो है वो एक और क्लास ऑफ क्लास होती है रिसेप्टर्स की, और वो है सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं और इनका ये यूजुअली न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, GPRS कहलाते हैं। ठीक है जी, और इनका जो है ये शॉर्ट बैक्टीरियल पेप्टाइड्स के साथ मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं, शॉर्ट बैक्टीरियल पेप्टाइड्स के साथ ये इंटरैक्ट करते हैं एंड फॉर्माइल मीथियोनाइल रेजिड्यूज, यानी जो जो अच्छा ये जो जो जिन जिन जिस प्रोडक्ट के साथ ये इंटरैक्ट करते हैं वो उसका नाम क्या है, एन फॉर्माइल मीथियोनाइल रेजिड्यूज। ठीक है जी, अच्छा मेनली जो है इनका काम क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके सरफेस पे ये कंपोनेंट मौजूद होता है, और अगर ये कंपोनेंट मौजूद है तो ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है और न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट होके और ऑटोमेटिकली कीमोटैक्सिस करते हैं टूवर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इसके बाद फिर आपके पास एक और टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं उनका नाम है मैनोज रिसेप्टर्स। ये मैंने आपको शायद याद होगा, आपको पहले भी बताया था, मैनोज रिसेप्टर्स का जो लाइगेंड है उसको हम कहते हैं टर्मिनल, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो शुगर्स होती हैं वो टर्मिनल मैनोज रेजिड्यूज होते हैं जिनके साथ ये जाके बाइंड करता है, और ये अपना जो सेल्फ या ह्यूमन जो सेल्स होते हैं उनमें और बैक्टीरियल सेल्स में किस तरह से डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उनके अंदर मैनोज रेजिड्यूज उनके जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर मौजूद ही नहीं होते, तो इस वजह से जो है बहुत क्लियरली डिफरेंशिएशन हो जाती है कि जो है आपका जो जो मैनोज रेजिड्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं तो ऑब्वियसली बात है इसका मतलब ये हुआ कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही रिस्पॉन्ड करेंगे रिसेप्टर्स और किसी को नहीं करेंगे।
इन एडिशन टू दैट, ये तो हो गए जो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ये जो पूरी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है इस वक्त तक, ये सारे के सारे जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं। ठीक है जी। इसके बाद फिर अगर हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के बाद साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स की, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स जो हैं इनके हवाले से जब हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स जो दो मेजर टाइप्स हैं जो अभी तक पता चली हैं, जो बुक में भी मेंशन हुई हुई हैं, वो है RIG1 और दूसरा है DNA सेंसर। RIG1 recognizes RNA of the organism, whereas DNA sensor, जैसे के नाम से जाहिर है, DNA of the organism को identify करता है। Obviously, cytoplasm के अंदर है, इसका मतलब क्या है कि ये उस वक्त करेगा जब सेल के अंदर या तो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया है, लाइक वायरसेस हो गए या कोई ऐसा माइनर कंपोनेंट हो गया जो कि ऑर्गेनिज्म जो है जो कि सेल के अंदर एंटर हो जाता है, या फिर दूसरी सूरत में इंटरनलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उस टाइम पे जब ऑर्गेनिज्म को फर्दर आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, ताकि इनको इनके साथ जो भी काम करना है वो किया जा सके। दिस वॉज ऑल अबाउट दी बेसिकली द रिसेप्टर्स ऑफ द इननेट इम्यूनिटी सेल्स। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जो यहाँ तक हम तब कर चुके हैं तो ये अभी तक जो हमने बात की थी कि हाउ द सेल्स ऑफ द नेचुरल और इननेट इम्यूनिटी जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं टू द इंजूरियस एजेंट। अब हम आ जाते हैं आपकी जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, यानी वो सेल्स की बात कर रहे हैं हम जो कि बेसिकली आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन दे रहे होते हैं कि आपको अगर से फॉर एग्जांपल एक फलाने ऑर्गेनिज्म से अगर एक मरतबा एक्सपोजर हो गया है और आपको उससे डिजीज कॉज हुई है और आपकी बहुत तबीयत खराब हुई है, तो नेक्स्ट टाइम जो इस तरह का जो मैकेनिज्म है वो नहीं हो पाएगा और काफी बेहतर तरीके से आपकी बॉडी उसको हैंडल कर लेगी, क्योंकि उसकी मेमोरी के अंदर जो है वो मौजूद होंगी चीजें, इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होगी और उसकी बेस पर जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकेगी। तो इस तरह की जो जो चीज है उसके लिए आपके पास जो सेल्स हैं, जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, वो मेजरली तीन तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर वो लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। लिम्फोसाइट्स में बेसिकली आपके पास टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, इनको जो नेचुरल किलर सेल क्यों कहा जाता है? बेसिकली इस वजह से कहा जाता है कि इनके अंदर जो है वो टी सेल रिसेप्टर्स भी नहीं होते, ठीक है, और बी सेल रिसेप्टर्स भी नहीं होते। दे डू नॉट कंटेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑन द सरफेस लाइक टी सेल्स या बी सेल्स, ठीक है जी। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ये नल सेल्स कहला रहे होते। जब इनकी फर्दर एक्टिविटी चेक की गई तो पता ये चला कि ये नल सेल्स नहीं है बेसिकली, बट दे हैव द इननेट कैपेबिलिटी टू किल द सेल्स, ठीक है जी। तो इसकी वजह से इनका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है नेचुरल किलर सेल्स, यानी दे बेसिकली किल द सेल्स व्हाट एवर कम इन इनटू इट्स वे, बेसिकली वो उसको किल कर देते हैं, ठीक है जी। अब किल किस तरह से करते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। जो टोटल आपका जो इम्यून जो लिम्फोसाइट्स हैं आपके वो बेसिकली बन रहे होते हैं, अगर टोटल जो हमारे पास जो डिफरेंशियल काउंट आता है, ल्यूकोसाइट काउंट आता है, उसमें लिम्फोसाइट्स जो हैं टोटल जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसका 30-45% होता है। सॉरी गलत हो गया, मेरा ख्याल है 15-30% होते हैं, 15-30% होते हैं टोटल ल्यूकोसाइट्स का, लिम्फोसाइट्स
सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स। अब ये जो सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स हैं, इसका तकरीबन 70% जो है वो टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका अगर टोटल किया जाए कि जो टोटल सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स हैं वो कितना परसेंट है, तो 20% टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, 70% टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, 20% बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और 10% नेचुरल किलर सेल्स, 10-15% के अराउंड। ठीक है जी, तो रेंज करता है ये, हमने रेंज नहीं लिखी है तो इस वजह से हम इसको यूजुअली 60-70% कहा जाता है कि जो पेरिफेरल लिम्फोसाइट्स हैं वो मौजूद होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स का जो नाम है वो टी से निकला है एंड टी मीन्स थाइमस। सो बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स आर दो सेल्स विच आर डिराइव फ्रॉम थाइमस। इसके मुकाबले में जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनका नाम बी जो निकला है वो बोन मैरो से निकला है। जरूरी नहीं है कि ये खाली बोन मैरो में हो, ये इसके अलावा भी और बहुत सारी जगहों पे होते हैं, लेकिन टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू के बी लिम्फोसाइट्स कहाँ से डिराइव होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स कहाँ से डिराइव होते हैं, इसकी बेस पर इसको यूं रखा गया है। यूजुअली आफ्टर बर्थ जो आपके जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बोन मैरो से नहीं बन रहे होते, बोन मैरो में आपके आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज बाकी के जो जो ग्रैन्यूलोसाइट्स हैं वो बन रहे होते हैं, मोनोसाइट्स बन रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन लिम्फोसाइट्स नहीं बन रहे होते। जो जो लिम्फोसाइट्स हैं बेसिकली, इसके बारे में फिर बाद में ये हुआ कि चूंकि बोन मैरो में जनरल सर्कुलेशन में जो है बोन मैरो से लिम्फोसाइट्स नहीं आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ये लिख सकते हैं कि जी बिकॉज दी सेल्स आर मेच्योर्ड इन द ब्लड देयरफॉर दे आर नोन एज बी लिम्फोसाइट्स। तो रिलेशन विद द ब्लड की बेस पर भी इसको बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है एक और जो इम्पोर्टेंट बात है इसके हवाले से वो अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर आ जाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स दो जगहों पे मेजरली पाए जा रहे होते हैं, एक तो ये थाइमस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और थाइमस के अंदर ये कहाँ पाए जाते हैं, पेरी आर्टीरियोलर लिम्फेटिक शीट्स में। ठीक है जी, होता क्या है कि बेसिकली आपकी जो आर्टीरियोल्स होती हैं स्प्लीन के अंदर, उनके अंदर दो तरीके से जो है वो लिम्फोइड टिश्यू अरेंज हुआ हुआ होता है। एक इस तरह से नोड्यूल की फॉर्म में अरेंज हुआ हुआ होता है, ठीक है जी, और दूसरा जो तरीका है वो क्या है कि लॉन्गिट्यूडनली बहुत लंबी सी शीट आर्टीरियोल के अराउंड बनी हुई होती है जिसमें लिम्फोइड सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी, तो दिस बेसिकली दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्प्लीनिक नोड्यूल, और ये सेंटर के अंदर एक जर्मिनल सेंटर रखता है। ठीक है जी, ये जो जर्मिनल सेंटर है बेसिकली यहाँ पे जो स्टेम सेल्स होते हैं बी लिम्फोसाइट्स के वो मौजूद होते हैं, और जो बेसिकली ये जो नोड्यूल है ये बी लिम्फोसाइट्स डिराइव कर रहा होता है। इसके मुकाबले में जो पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक सीट है, इसका यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि टी लिम्फोसाइट्स का बनना, डिफ्रेंशिएट होना, किस टाइप का मेमोरी सेल बन, किस टाइप का टी सेल बनना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, वो तमाम का तमाम काम जो है वो थाइमस के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, थाइमस से ये सेल्स जो हैं वो लिम्फेटिक से या ब्लड से रिलीज होके फिर बाकी की जगहों पे जाके सेटल डाउन होते हैं, और जब वो वहां पे सेटल डाउन होते हैं तो फिर वहां से वो रिलीज होके अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो ये जो जगह है पेल्स जो के कहलाता है, पेरी आर्टीरियोलर लिम्फेटिक शीट कहलाता है, ये टी लिम्फोसाइट्स यहां मिलते हैं आपको स्प्लीन में। ठीक है जी, इसके बाद फिर जो दूसरी जगह है जहां पे ये यूजुअली पाए जाते हैं वो है आपका लिम्फ नोड। ठीक है जी, लिम्फ नोड के अंदर जो मेजर, मैं सिर्फ आपको डिविजन्स बता रही हूं ताकि आप थोड़ा सा इसको अंदाजा कर सके, बाकी तो ऑब्वियसली आपने पहले से एनाटॉमी के अंदर पढ़ा हुआ होगा। ठीक है जी, अब ये देखें, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स, ये हो गया मेड्यूला, और ये कहलाता है पैराकॉर्टिकल रीजन।
ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट है लिम्फोइड टिश्यू की, वो अगेन जो है कॉर्टिकल एरिया में इस तरह से नोड्यूलर शेप में आपको लिम्फोइड टिश्यू मिल रहा होता है, ठीक है। मेड्यूला के अंदर जो है आपको इस तरह से लंबी लंबी सी शीट्स के फॉर्म में मिल रहा होता है लिम्फोइड टिश्यू। और बाकी जो पैराकॉर्टिकल रीजन है उसके अंदर डिस्पर्स्ड होता है लिम्फोइड टिश्यू। अगेन जितनी नोड्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर जर्मिनल सेंटर्स होते हैं, और ये जर्मिनल सेंटर्स बेसिकली अगेन बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो जो पैराकॉर्टिकल रीजन है उसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और बाकी जो नोड्यूल्स और जो मेड्यूलरी रेज बन रहे हैं ये इनके अंदर जो है आपको बी लिम्फोसाइट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली टी और बी लिम्फोसाइट्स के हवाले से हमने जो बात की है वो यहाँ पे ये है कि जहां जहां भी नोड्यूलर स्ट्रक्चर में लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं वो बेसिकली जो है वो जर्मिनल सेंटर होता है, और वहां पे चूंकि पेरिफेरल साइट है तो वहां पे बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, वहां से पेरिफेरी तक आते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर रिलीज हो जाते हैं इनटू द लिम्फ्स, ठीक है जी। जबकि इसके मुकाबले में जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्रोलीफरेशन, डिफ्रेंसिएशन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स बेसिकली टेक्स प्लेस इन द थाइमस। होप यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं अब जो स्पेसिफिकली जो हमारा टॉपिक है वो है टी लिम्फोसाइट्स का। टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली हैज थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स बेसिकली जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं या उनके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सबसे जो पहला स्ट्रक्चर है जो कि सरफेस पे मौजूद होता है टी लिम्फोसाइट्स के वो है टी सेल रिसेप्टर, ठीक है जी। दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो कहलाता है को रिसेप्टर। टी सेल का को रिसेप्टर क्या क्या है ये भी हम सारे डिस्कस करेंगे। और तीसरा मॉलिक्यूल जो है वो कहलाता है रिसेप्टर और को स्टिम्यूलेटर, ठीक है। अच्छा अब यहां तक जो है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टी सेल रिसेप्टर की। टी सेल रिसेप्टर जो है बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं। मैं एक मिनट मुझे आप दें, मैं जरा आपका इसके लिए एक पिक्चर भी ओपन कर लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद फिर मैं आपको इसको बताती हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू फर्स्ट। अच्छा जी ये पिक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पे ही शिफ्ट कर दी है ताकि हम इसको ठीक से इसके ऊपर लिख भी सकें और आपको मैं बता भी सकूँ। जो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं कि अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया कि टी सेल के सरफेस के ऊपर तीन चीजें होती हैं। एक तो टी सेल रिसेप्टर होता है, ठीक है, दूसरा जो है टी सेल का को रिसेप्टर होता है, और उसके अलावा फिर रिसेप्टर फॉर को स्टिम्यूलेटर होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जो आपको चीज नजर आएगी वो आएगी टी सेल रिसेप्टर का हीटरोडाइमर, ठीक है जी। ये जो पिंक एंड ब्लू कलर की जो अल्फा और बीटा चेन्स हैं ये, प्लस इसके साथ आपके पास मौजूद हैं डेल्टा ईटा चेन और गैमा चेन, और ये वाला निशान क्या कहलाता है आई डोंट नो, लेकिन ये सारी जो चेन्स हैं अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा ये तो कंफर्म है, इसके अलावा यहाँ पे आपको ईटा चेन्स भी नजर आ रही है। अच्छा अब ये जो पूरा जो कंपोनेंट है ना यहाँ से लेके मैं इसको फिर पहले मार्क करती हूँ फिर मैं डिलीट कर दूंगी ताकि ये वो ना हो फिगर का प्रॉब्लम ना हो। ये आप देखें यहां से लेके ये जो पूरा पार्ट है नाउ दिस इज योर टी सेल रिसेप्टर,
ठीक है जी। अच्छा, टी सेल रिसेप्टर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, इसके कुछ कांस्टेंट पार्ट होते हैं और कुछ वेरिएबल पार्ट पोर्शन होते हैं। टी सेल रिसेप्टर के हवाले से हम बात करते हैं तो नंबर वन इसका होता है वेरिएबल पार्ट और दूसरा होता है कांस्टेंट पार्ट। अब इसमें जो ये आपको जो तीन नंबर वन, एक, दो और ये तीन, ये जो तीन प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं ये कहलाते हैं CD3 प्रोटीन्स। दिस इज दी कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ टी सेल रिसेप्टर। ठीक है जी। जो वेरिएबल पार्ट होता है दैट इज मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन, यानी दिस वन, दिस पार्ट, अल्फा एंड बीटा चेन, ये आपका हो जाता है वेरिएबल पार्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ वेरिएबल पार्ट? वेरिएबल पार्ट का मतलब क्या है कि बेसिकली दिस इज वेयर स्पेसिफिकेशन इज टेकिंग प्लेस, यानी ये जो पार्ट है ये इंडिविजुअल एंटीजन के लिए इंडिविजुअल होगा, यानी एंटीजन स्पेसिफिक पार्ट है ये। से फॉर एग्जाम्पल टीबी का जो एंटीजन है उसके लिए अलहदा टी सेल रिसेप्टर्स होंगे, उनके सरफेस पे जो टी सेल रिसेप्टर्स होंगे उनके सरफेस पे स्पेसिफिकली टीबी के ऑर्गेनिज्म के लिए ही बाइंडिंग पार्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह से किसी और ऑर्गेनिज्म का ले लें, डिप्थीरिया ले लें या न्यूमोनिया ले लें, उसके जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं हर ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट बनती है जो कि वेरिएबल पोर्शन होता है। सो दैट इज योर अल्फा एंड बीटा स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। दिस इज व्हाट बेसिकली टी सेल रिसेप्टर इज डूइंग, यानी वो डिफरेंशिएट कर देता है टी सेल्स की पूरी कॉलोनी को एक मखसूस ऑर्गेनिज्म के लिए, फिर दूसरी पूरी कॉलोनी को दूसरे मखसूस ऑर्गेनिज्म के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कौन से ऑर्गेनिज्म से। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दो मिनट के लिए आपको एक बहुत ही कॉमन सी एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बंदा है जिसको अभी ये हुआ, क्या हुआ था, कोरोना का जो हुआ था प्रॉब्लम, अल्लाह ना करे उसको कोरोना से एक्सपोजर हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल अब उससे जो कोरोना से जो एक्सपोजर हुआ, तो जो पहली मरतबा जो एक्सपोजर हुआ ऑब्वियसली उसमें सबसे पहले किसने रिस्पॉन्ड किया होगा, उसकी इननेट इम्यूनिटी ने रिस्पॉन्ड किया होगा। ठीक है जी। जब वो इननेट इम्यूनिटी ने रिस्पॉन्ड कर लिया होगा तो एंटीजन प्रेजेंट हुआ होगा। जब एंटीजन प्रेजेंट हुआ होगा तो उसके नतीजे में जो टी सेल्स की जो मेमोरी पूल बना बेसिकली, तो उसमें ये अल्फा बीटा जो कॉम्पोनेंट है ना बेसिकली, ये अब कोरोना स्पेसिफिक हो गए। अब आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी जनरेट हो गई जिसकी बात कर रहे थे, एंटीबॉडीज बन गए या जो भी हो गया फर्स्ट एक्सपोजर के बाद, सो बेसिकली ये आपका मेमोरी पूल के अंदर सेल आ गया है। अब ये मेमोरी अपनी जगह मौजूद रहेगी, जब आपको रीइंफेक्शन होगा तो ये जो टी सेल है ये आपको हेल्प आउट करेगा कि उतनी सिवियर कंडीशन नहीं डेवलप होगी जितनी के पहले हुई। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये तो हो गया टी सेल रिसेप्टर, यानी हमने जो सबसे पहले बात की थी, जिस पोर्शन की जो बात की थी, ये टी सेल रिसेप्टर, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो हमारे पास जो सेकेंड पोर्शन है टी सेल पोर रिसेप्टर, टी सेल पोर रिसेप्टर बेसिकली ये मॉलिक्यूल है, इसको भी मैं अलहदा से कलर का मार्क कर देती हूँ। ये जो पोर्शन है ये CD4 मॉलिक्यूल यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन होती है किस तरह से कि आपके टी सेल्स जो हैं बिकॉज ऑफ दिस कोर रिसेप्टर कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू CD4 टी सेल्स, CD4 प्लस टी सेल्स या CD8 प्लस टी सेल्स। ठीक है, इधर CD4 मॉलिक्यूल होगा किसी भी टी सेल के ऊपर या CD8 मॉलिक्यूल होगा किसी भी टी सेल के ऊपर, दोनों एक वक्त में एक ही सेल के ऊपर मौजूद नहीं हो सकते, इधर CD4 और CD8 टी सेल। अच्छा, CD4 और CD8 टी सेल्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इनका जो आपस में जो रिलेशन है वो कितना है कि CD4 प्लस टी सेल्स टोटल टी लिम्फोसाइट्स का, यानी अगर हम कह रहे हैं कि टी लिम्फोसाइट सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स में सर्कुलेटिंग टी लिम्फोसाइट्स जो है वो 70% है,
बाकी 20% बी लिम्फोसाइट्स हैं और 10% नेचुरल किलर सेल्स हैं। तो ये जो 70% है उसका 70% में से जो उसका अगर उसको 100% करते हैं तो CD4+ T cells जो है वो 60% है और CD8+ T cells जो है वो 40% बनते हैं टोटल टी लिम्फोसाइट्स का। ठीक है जी। अच्छा अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि CD4+ T cells बेसिकली आर नोन एज हेल्पर टी सेल्स। Whereas CD4+ T cells are known as cytotoxic T cells. ठीक है जी। तो basically ये क्या है कि इनकी presence और absence के ऊपर depend कर रहा होता है। अगर तो CD4+ T cells मौजूद होंगे तो CD4+ हैं तो helper T cells हैं। हेल्पर टी सेल का मतलब क्या है कि दीज सेल्स हेल्प द बी लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस योर इम्यूनोग्लोबुलिंस, यानी जो एंटीबॉडीज आपकी जो बन रही हैं वो बेसिकली बनाने में जो हेल्प आउट करते हैं वो CD4+ T cells करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह जहां पे और कोई सेल काम नहीं कर रहा होता, अभी आगे उसको मैं आपको डिस्कस भी करूंगी कि कैसे, तो CD8+ T cells वहां पे जाके डायरेक्ट किलिंग का मैकेनिज्म जनरेट करते हैं। Therefore, these are known as cytotoxic T cells. जो इसकी तीसरी सब टाइप है उसके हवाले से ये मेंशन नहीं है कि बेसिकली उसके ऊपर स्ट्रक्चर पे जो को रिसेप्टर है वो क्या होता है, बट देर इज अनदर टाइप ऑफ टी सेल्स विच आर नोन एज रेगुलेटरी टी सेल्स या भी रेगुलेटरी टी सेल्स का नाम इसको नया दिया गया है, पहले ये कहलाते थे सप्रेसर टी सेल्स। नाम से जाहिर हो रहा है सप्रेसर है, रेगुलेशन कर रहे हैं, यानी ये इंफ्लेमेटरी जो प्रोसेस होता है जो ऑनगोइंग इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होता है उसको सप्रेस करने का काम कर रहे होते हैं। तो दीज हेल्प इन कंट्रोलिंग द अनकंट्रोल्ड इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और जो आपका एग्जैजरेटेड इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है व्हाट एवर दैट इज, सप्रेसर टी सेल्स बेसिकली उसको या रेगुलेटरी टी सेल्स जो है वो उसको सप्रेस करने का काम कर रहे होते हैं, उसको रेगुलेट करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। दिस वॉज अबाउट दी को रिसेप्टर के जो आपका जो हम जो दूसरी चीज पढ़ के बैठे हैं कि जो को रिसेप्टर्स हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं इन केस जो भी चीज चल रही है उसमें को रिसेप्टर्स का जो काम है वो क्या होता है बेसिकली कि दे आइडेंटिफाई द टी सेल्स एज हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। उसके बाद फिर आता है रिसेप्टर फॉर कोस्टिमुलेटर। रिसेप्टर फॉर कोस्टिमुलेटर का मतलब क्या है कि बेसिकली अगर आप इस जगह पे देखें तो ये कोस्टिमुलेशन हो रही है, वो एक मॉलिक्यूल है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ आपका टी लिम्फोसाइट इंटरैक्ट कर रहा है तो ये उसके साथ एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ एक और एडिशनल कंपोनेंट का एड होना जरूरी है। दिस इज योर रिसेप्टर फॉर कोस्टिमुलेटर। And this is known as CD28. ठीक है जी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही काफी है, इसको यहीं पे रोकते हैं, बाकी के जो दो सेल्स हैं वो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।